हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं आज आपके सामने देखिए डॉक्टर डॉक्टर वेटकर, ये ब्रिटिश का ही है। देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये ब्रिटिश का ही होगा। तो ये मायोनीज है, मायोनीज सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किसी ने हम लोगों को ये दिया, तो ये तो हम ऐसे ये वाला चीज़ प्रोसेसिंग फूड तो हम नहीं खरीदते। तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ क्यों हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते, क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सभी लोगों को। वही हेल्थ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा जो जितना भी सारा ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर बेस किया हुआ है, ये एकदम सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आयुर्वेद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये देखिए, ये मायोनीज क्या होता है, ये मायोनीज जो बेस से बनता है वो पाम ऑयल से बनता है। ये मायोनीज और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मिल्क कॉन्टेंट रहता है, सफ़ेद हो जाते, देखिए इसमें सफ़ेद सफ़ेद है और इसमें भी सफ़ेद सफ़ेद हो रही है। और ये लोग वेस्टर्न का लोग खाते हैं, इसलिए इसका ऊपर कोई भारतीय कंपनी का नाम नहीं होता। डॉक्टर ओथेकर, ये सब वेस्टर्न कंपनी है, ठीक है, वेस्टर्न कंपनी। उधर में तो दूध नहीं मिलता, ठीक है, दही नहीं मिलता। तो ये खाने में दही की तरह ही होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेस्ट होता है। तो उसमें तो दही नहीं होता, दही बनाना नहीं जानते थे, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मायोनीज से, वो पाम ऑयल से, तो ऑयल से ही ये खट्टा करके खाता है। देखिए इसमें सब ये देखिए, इसमें जो प्रेजेंटेशन है, जो बर्गर में, ब्रेड में, सैंडविच में, इसमें और थोड़ा सा जो तरकारी होता है, तरकारी के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करके ये खाया जाता है। तो ये मायोनीज मैंने खाकर मैंने देखा, ये देखिए मायोनीज का रंग कैसा होता है, देखिए ये देखो वाइट कलर का होता है, एकदम दही की तरह होता है। दही तो पूरा थोड़ा सा क्रीमिश होता है, लेकिन ये माइनस होता है। ये इसमें और थोड़ा सा मैं इसका दाम दे देता हूँ, ये स्मार्ट बाजार से मैंने खरीदा, रिलायंस का स्मार्ट बाजार से। इसका नाम मैन्युफैक्चरिंग 199 है, मैन्युफैक्चरिंग MRP है 199 800 ग्राम है। देखिए किसने हम लोगों को दिया, नंबर वन मायो, सभी क्लेम करता है नंबर वन मायो, ये मायो है, मायोनीज है, मायोनीज, ठीक है, शॉर्टकट नेम है मायो, ठीक है। और इसमें देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, वही मैं आपको बताऊँ। देखिए डॉक्टर ओटेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बाहर का है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वही आपको देखना चाहिए। सब लोग कहते हैं जो बटर नहीं खा सकता है, जिसके पेट में जो लैक्टोस का प्रॉब्लम है, कोई भी मिल्क कंटेंट अगर खाए तो शरीर में एलर्जी होगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव, तो उसके जो स्टोमक में है, पाकस्थली में है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोस का जो केमिकल्स होता है ज़्यादा एक्स्ट्रैक्ट होता है, इसलिए दूध उसका शरीर में नहीं रहता। तो वो लोग क्या खाता है, दूध के बदले में, देखने में तो दही जैसा ही है, इसे ये खा लो, ये तो पाम ऑयल ही है, ठीक है, दही जैसा ही है तो खा लो, लेकिन वो दही नहीं खा रहा है, दूध भी नहीं खा रहा है, वो पाम ऑयल खा रहा है। पाम ऑयल आप जानते हैं पाम ऑयल शरीर में कितना इफेक्ट होता है, वो नहीं आपको मैं इतना डिटेल्स नहीं बताऊँगा, इसके लिए दूसरा वीडियो है। तो देखिए इसने वेज मायोनीज ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, और जो थोड़ा सा वेस्टर्न का तरह खाता है वो सब ऐसे मायोनीज खाता है। उसके बाद शरीर में क्या प्रॉब्लम आता है, सारे पैसा डॉक्टर के पीछे चला जाता है। डॉक्टर लोग क्या करता है, BMW खरीदता है, और हम लोगों को ये मायोनीज जो आर्टिफिशियल मिल्क कॉन्टेंट है ये हमको बेचता है, बेच के पाम ऑयल बेच के इतना पैसा कमाता है,
मुझसे भी हम लोगों से पैसा कमाते हैं, जब खाते हैं खाने के बाद जितना भी पैसा जमाते हैं वो सब डॉक्टर को दे देता है, डॉक्टर BMW कार खरीदता है। तो आपको समझ में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। तो इसमें क्या है, वेज मायोनीज है ओरिजिनल प्रॉपर्टी से, इमल्सिफायर डीप से, इंग्रेडिएंट्स है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। देखिए रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, ये पाम ऑयल ही होता है, ठीक है, जो खाएंगे इसके बाद थोड़ा सा, ये अभी फ्रिज से मैंने बाहर निकला हुआ हुई इसलिए थोड़ा सा देखिए ये इसमें जम गया है फ्रिज में। देखिए वाटर है, शुगर है, मिल्क सॉलिड है, थोड़ा सा मिल्क सॉलिड है, आयोडाइज सॉल्ट है, ये थोड़ा सा नमकीन है, लेमन जूस है, ये सब आर्टिफिशियली है, इमल्सिफायर है एंड स्टेबलाइजर है, INS, ये सब केमिकल्स नेम है, एसिडिटी रेगुलेटर है, प्रिजर्वेटिव है, देखिए इसमें प्रिजर्वेटिव भी दिया रखा है, एंटीऑक्सीडेंट है, जितना भी सारा है सब केमिकल्स ही है, केमिकल्स होता है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता, सब केमिकल सब्सटेंस होता है। देखिए केमिकल सब्सटेंस कॉन्टेंट्स मिल रहता है, देखिए जो लैक्टोज का प्रॉब्लम है उसको इसमें दिया हुआ है कॉन्टेंट्स मिल, आप इसको मत खाइए, ठीक है, जिसका प्रॉब्लम है वो आप मत खाइए, लेकिन जिसको बटर में प्रॉब्लम है वो लोग यही खाते हैं, जैसे कि चीज़ में प्रॉब्लम है, बटर में प्रॉब्लम है, ये सब खाने में, बहुत कुछ खाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सब वो लोग ये खाएगा, ठीक है। और पाम ऑयल क्या होता है, भारत बहुत सारे देशों में ये पाम ऑयल नहीं चलता, पाम ऑयल सबसे मैन्युफैक्चरिंग जो रिस कंट्री है वो मलेशिया है, मलेशिया में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन मलेशिया के देश में ये चलता नहीं है, ये चलता नहीं, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है जिसमें ये पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पूरा ही बैंड है, उसमें नहीं चलता, जो उसमें जो सरकार है वो नहीं किसी को खाने देता, तो वो जो खाने नहीं देता वो सब कुछ भारत में बिकता है, ठीक है, भारत में बिकता है, भारत के लोग खाते हैं बिना सोचे समझे खाते हैं, खाकर क्या होता है वो जितना भी सारा पैसा है डॉक्टर को चला जाता है, दवाई के पीछे चला जाता है, और सब दवाई कंपनी वाला और डॉक्टर वाला बहुत ही बड़ा लोग हो जाता है, और हम जब जितना भी पैसा कमाते हैं तो सब पैसा उनके लिए छोड़ जाते हैं। तो आप इसको खाना है या ना खाना है, आप पता चल चुके हो खाना है क्या ना खाना है, ये मेरा सजेस्ट है, ये सब प्रोसेसिंग फूड मत खाइए, लेकिन एक दो दिन के लिए हम लोगों ने, हमको किसी ने दिया, थोड़ा सा टेस्ट करो, टेस्ट करके एक वीडियो बनाओ कैसा है, उसके बाद हम लोगों को फीडबैक दो, इसलिए हम मैंने सोचा, देखिए मैंने थोड़ा सा खा लिया, खाकर टेस्ट करके हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया ये खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। आप वीडियो चैनल में भी देख सकते हो व्हाट इज़ द एफेक्ट ऑफ ईटिंग सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल इन द ट्रेडिशनल सर्च इंजिन, सर देखो, देख कर पता करो क्या सच है क्या नहीं सच है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द न्यू वीडियो विद अ न्यू प्रोडक्ट रिव्यू, बाय बाय।